बनेगा, समाज बिहार बनेगा, तो हमें महिलाओं को मुख्य धारा में लाना होगा, उनको अपना हक अधिकार भी दिलाना होगा। और मेरा एड्रेस यही, आप लोग सब कोई नोट करके रख लीजिए, कल सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं सब जनता लोग से मिलूंगी, और हमारे और आपके बीच में कोई मीडियम नहीं, कोई माध्यम नहीं होगा, डायरेक्ट मेरी बात। और अब तो छपरा की बेटी हुआ, जब मैं अपना बेटी कर्तव्य निभाई, अपने पिताजी को एक बेटी दिया, तो अभी आप मेरे छपरा के सारे 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 मेरे भाई बहन, आप लोग मेरे माता पिता, तो मैं अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए आप लोग का आशीर्वाद लेने आया हूँ। आप लोग की आवाज बने आए, आप लोग की ताकत बने आए, आप अपनी बेटी के भरोसे, मुलाकात हमारी होते रहेगी। अभी आदरणीय लालू जी बोल रहे हैं, थके हुए हैं वो भी सुबह से। जय सारण, जय भीम, जय राष्ट्रीय जनता दल। हम लोगों के बीच हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब लालू प्रसाद यादव साहब अपनी बातों को रखेंगे। सारण जिला जो मैं काम किया, शायद ही कोई काम किया होगा, नेता लोग बहुत भोग के लिए आपका एमपी बने, हमारे पहले मंत्री बने, विधायक बने, लेकिन काम किसी ने नहीं किया। जब आपने मुझे बनाया सन 1977 में, जब मैं आया यहाँ जेपी आंदोलन के बोर्ड से निकल के, तो सारण जिला के कोना कोना हर जगह थे मतदाता भाई, सब जाति बिरादरी के लोगों ने मुझे पार्लियामेंट भेजने का काम, भारी मतदान किया और चंदा का पैसा दे दिया। आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ा, पैसा खा देंगे। आप सबको याद होगा तो मैं याद कराना चाहता हूं, छपरा में, दरियापुर में, मैंने रेलवे का पहला बनाने का कारखाना खोला, उस 12 टन इलाका में हमने रेलवे को लाया वहां पर। आज रेल का चक्का देश में निकल रहा है, यही से बना, यही बन रहा है, और यही पर वो कारखाना विराजमान है। सत्तू भूजा बेचने वाले से लेके छोटा मोटा रोजगार आज वहां लोगों का चल रहा है, काम भी मिला, नौकरी भी मिला, कोई नहीं, ये लोग मरहरा है, ये मरहरा मैं, हमने रेलवे का इंजन बनाने का कारखाना खोला, इंजन बनाने का कारखाना उस इलाके में जो जमीने थी, वो जमीन में कुछ होता नहीं था, पैदाइश नहीं होता था, जमीन के जो मालिक हैं
उनको मालूम होगा, सुन रहे होंगे के लोगों को रेलवे का जमीन हमने खरीदा और लोग वहां पर लोग मालूमाल हो गए। कोई नहीं, सारण जिला में इंजीनियरिंग का कारखाना और लोक राय प्रकाश सरायन के नाम पर यहाँ यूनिवर्सिटी को है, आज यूनिवर्सिटी चल रहा है। रोहिणी आचार्य के खिलाफ जो बन रहे हैं इन्होंने, आपको मालूम होगा मैं हरा के लोगों कि हरा में चीनी का कारखाना था, चीनी का कारखाना है लोगों ने औने पौने भाव पर बेच दिया, जमीन उसकी बचवा दी। और वही नहीं, जो गेस्ट हाउस था वो भी बचवा दिया। और रूढ़ी जी ने कहा था सारण जिला के उधारा के लोगों को कि हम चीनी का कारखाना खोलने जा रहे हैं, चाय पिलाए हैं और आप लोग ऊख लगाइए। ऊख लोगों ने बड़े उत्साह में ऊख लगा दिया। रेलवे का कारखाना इंजीन का ये चीनी का तो नहीं है पूरा, लेकिन किसानों का जो लगा हुआ खेत में ऊख था सब उपट गया। उपट जाने का मतलब पत्थर फिर कोई नाम तेरे बोला था थोड़ी जी कि झींगा झींगा मछली का झींगा, हाँ झींगा लगाने का कैसा नाम खोल रहा है, लगाइए झींगा झींगा। इतना झूठ बोला जाता है और सारण जिला से मेरा लगाओ, मेरा स्नेह सारण जिला के लोगों ने ही मुझे राजनीति में पैर रखने का मौका दिया। सारण के लोगों का जो कर्ज है हमारे ऊपर, इस कर्ज को मैं उतार नहीं सकता, हमेशा याद रखना। लोग बोलते थे कि आप अपने परिवार से घर से उम्मीदवार रख दीजिए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने एमएलए लोगों ने बोला है आपको, मीटिंग करके लोगों ने कहा कि रोहिणी आचार्य को आप उम्मीदवार बनाइए, मैंने स्वीकार कर लिया और उम्मीदवार बनाया। आपके बीच में रोहिणी आचार्य राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के रूप में आज आपके बीच में खड़े हैं। हम आशा करते हैं कि बिना कोई आशा रखे हुए कि आज हमारे घर में आएगी नहीं आएगी, मेरे गांव में आएगी नहीं आएगी, लगातार घूम रही है, रोज पटना से 9 बजे निकलती है और 2 बजे रात को लौटती है पटना डेली। आज मीटिंग नॉमिनेशन होने वाला है, आगे नॉमिनेशन का डेट बनेगा और मैं राबड़ी देवी अभी हम मेरी बेटी आई है यहाँ, बाकी जो इलाका है उस इलाका में जाएगी। आप सब लोग मौका
निश्चित रूप से दीजिएगा। जहां तक घूमने सबको घुमाना है, तो गरीब भाई है, जो पिछड़े भाई है, जो अकालियत के हमारे भाई बहन है, उन चार के जो भाई बहन है और पिछड़े वर्गों के लोग हैं, मीन मला मुनिया बिल्डर सभी भाई, सब लोगों ने संकल्प लिया है। व्यवसायी भाई लोगों ने छपरा से लोग गए थे, 200 लोग प्रबोध लोग गए थे, यहाँ से जनप्रतिनिधि अध्यक्ष में और तब बोलेंगे हम लोग साथ देंगे, साथ आएंगे और नॉमिनेशन के दिन हम लोग मंच पर खड़ा होकर ऐलान करेंगे कि हम रोहन आचार्य के साथ हैं, राष्ट्रीय जनता के साथ। तो आज सब लोग से हमारा यही अपील, और मैं इसलिए आया कि आज उनके दिन और बाकी इलाका जो बचा है वो सब इलाका में लोगों से दिए, आप सभी विधायक सभी जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता साथी सब लोगों से अपील है कि पूरा तन मन धन से आप इसको लड़ते हैं। अभी चौधरी भाई मिले थे अभियान पासी भाई, अगर कहा है बाबा तो बोलता है कि आप तो लड़ते थे तो तार पर हम लोग झंडा पागा देते थे, हमारा मन बा रोहिणी आचार्य जिस रूप से जाएगी और जितना तार है उस पर हम राष्ट्रीय जनता दल के झंडा फहराए। पानी तो नीतीश कुमार बंद कर चलो, लेकिन समय आई देखा जाए और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, जिनका घर सारण कहा जाता है, वहां से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आज अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के लिए चुनावी आगाज की शुरुआत कर दी है। आज लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटी रोहिणी आचार्य के लिए चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए कार्यकर्ताओं से बातचीत की और उन्हें संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने रोहिणी आचार्य को जिताने की बात कही। इस दौरान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर जमकर सवाल उठाए और निशाने साधे। इस दौरान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के भी कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने सारण में कुछ भी नहीं किया, हमारे कार्यकाल में हमने सारण में रेल चक्का कारखाना समेत कई योजनाओं पर हमने काम किया है और सारण को कई बड़ी बड़ी योजनाएं दी हैं। लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने राजीव प्रताप रूढ़ी पर कहा कि चीनी मिल उन्होंने बंद करवाने का काम किया है और चीनी मिल आज तक उन्होंने शुरू नहीं करवाया। आशुतोष नाथ, एबीपी न्यूज, छपरा सारण बिहार।